चलिए आज अपन स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ जीन क्या होता है, जीन अपने आप को किस तरीके से सेल में एक्सप्रेस करता है उसके बारे में इस लेक्चर में जानने वाले हैं। तो यार सिंपल सी मेरे को एक बात बताओ, देखो जीन एक्सप्रेशन ऐसे समझ में नहीं आएगा, मुझे बताओ अपनी बॉडी में पूरी बॉडी में सेल है, हर जगह से कहीं से भी अगर अपन बॉडी के पार्ट को बाहर निकालेंगे तो सेल ही निकलेगी। अब सेल में सभी सेल में सेम टाइप का क्या है, डीएनए है। यहां से सेल निकालो, चाहे यहां से सेल निकालो, चाहे यहां से सेल निकालो, कहीं से भी सेल निकालो, पूरी बॉडी में से हर सेल में सेम टाइप की इंफॉर्मेशन वाला डीएनए मिलेगा आपको। इसका मतलब मुझे ये बताओ यार कि लीवर में जो काम हो रहा है, इसका मतलब लीवर में सेल है, अपने हाथ में भी सेल है, हाथ में सेल है, लीवर में सेल है, और जीन सभी में सेम टाइप के हैं। जीन में मतलब अपने सेल में न्यूक्लियस में डीएनए सभी में सेम टाइप का। तो मुझे ये बताओ यार कि सेल यहां पे भी सेम है, यहां पे भी सेम है, तो लीवर सेल में बाइल का प्रोडक्शन करता है, मतलब लीवर सेल में जो डीएनए है वो बाइल प्रोडक्शन करता है, वो डीएनए यहां पे बाइल प्रोडक्शन क्यों नहीं करता, वो डीएनए यहां पे बाइल प्रोडक्शन क्यों नहीं करता, उसका जीन यहां पे अपने आप को एक्सप्रेस क्यों नहीं करता। ऐसे ही पेनक्रिया सेल की बात करें, ऐसे ही ब्रेन में जो काम हो रहा है उसकी बात करें, ऐसे किडनी में जो हो रहा है उसकी बात करें, इसका मतलब जीन एक्सप्रेशन कुछ है तो यार इसमें मतलब बॉडी अपने आप को किस तरीके से मेंटेन रखती है। तो मैं अपने एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी, आप ध्यान से सुनते जाना। आप सबके घर में कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर आता है, आता है न्यूज़पेपर, आए सबसे पहले मेरे हिसाब से सबके घर में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं पापा। पापा ने जैसे ही न्यूज़ पढ़ी, पापा का इंटरेस्ट मान लेता हूँ स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स से पापा का इंटरेस्ट है, तो पापा क्या करेंगे, पीछे वाला पेज निकालेंगे सीधा, स्पोर्ट में आज कौन सी टीम जीत रही है, आज कौन सी टीम जीत रही है, सारी टीमों के बारे में जान लिया, यहाँ पे मैच होने वाला है, इंडिया का पाकिस्तान से मैच होने वाला है, इंडिया का इससे मैच होने वाला है, इससे मैच होना, सारी चीजें जान ली, कौन टेबल टेनिस में जीत रहा है, कौन बैडमिंटन में जीत रहा है, कौन फुटबॉल में जीत रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन पापा ने पढ़ ली। पापा का इंटरेस्ट का एरिया वो था, पापा ने पढ़ लिया, अखबार को रख दिया। थोड़ी देर बाद में आई मम्मी, मम्मी आई तो मम्मी ने पढ़ा कि आज का खाना किस तरीके से तैयार करना है, रात का बासी खाना सुबह कैसे यूज करते हैं, ये वाली जो इंफॉर्मेशन है, ये हीरोइन यहाँ पे काम कर रही है, ये हीरो यहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि मम्मी का जो इंटरेस्ट का जोन है वो है मान लेता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री या फिर कोई किचन में जो चीजें बनती है उसका है। तो मम्मी ने वो सारी चीजें पढ़ के अखबार को साइड में रख दिया। ऐसे ही आपका छोटा भाई आया, ऐसे ही आपकी बहन आई, और बहन ने जो इंटरेस्ट का पार्ट था उस चीज को पढ़ के अखबार रख दिया। ऐसे ही भाई ने, भाई का जो इंटरेस्ट का जोन है, क्योंकि भाई थोड़ा सा ज्यादा समझदार, तो वो कोई ट्रेडिंग मार्केट में काम करता मान लो, तो वो ट्रेडिंग मार्केट के बारे में जो चीजें पढ़ता है वो सारी चीजें पढ़ के अखबार को रख देता, बाकी चीज उसे कोई मतलब नहीं रखता। अब मुझे एक बात बताना, इस न्यूज़पेपर को मैं मान लेता हूं कि ये न्यूज़पेपर, पूरा न्यूज़पेपर है डीएनए, क्या है डीएनए, पूरा न्यूज़पेपर है, पूरे डीएनए पे अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। अब मुझे बताओ पापा ने क्या पूरा अखबार पढ़ा था, शाम को जब सारे लोग घर में बैठ के खाना खा रहे थे तो पापा ने जोर से बोला कि आपको पता है आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच था जिसमें इंडिया पाकिस्तान को हरा दिया है। तो सारे सारे देख रहे हैं, ऐसा हुआ है, मतलब आज इंडिया पाकिस्तान का मैच था, तो इंडिया पाकिस्तान का मैच था और हमें तो पता ही नहीं, तो आप पूछोगे पापा से कि ऐसी न्यूज आपने कहां पे देखी, बोला अखबार में। थोड़ी देर बाद मम्मी बोली, पता है आज हमने जो खाना बनाया है उसमें से कुछ खाना रात वाला था, उसमें कुछ खाना रात वाला था जो मैंने इस तरीके से मॉडिफाई करके न्यूज़पेपर में पढ़ के मैंने इस तरीके से मॉडिफाई किया। तो पापा बोले ये न्यूज कहाँ पे लिखी हुई थी, भाई बोला ये न्यूज कहाँ पे लिखी हुई थी, तो मम्मी बोले अखबार में लिखी हुई थी। थोड़ी देर बाद में आपका भाई बोला कि पता है आज ट्रेडिंग मार्केट में ये कंपनी के शेयर ऊपर जा रहे हैं, ये कंपनी के शेयर नीचे जा रहे हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन। तो मम्मी बोले, पापा बोले ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे थी, तो बोल रहे हैं अखबार में थी। बहन बोल रही है कि आज ये पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे स्पीच देने वाली है, ये पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे जाने वाली है, ये नेता यहाँ पे जाने वाला, यहाँ पे आने वाला है। तो सारे लोगों ने पूछा कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे थी, तो बोला न्यूज़पेपर में। मुझे एक बात बताना, ये न्यूज़पेपर तो एक ही था यार, इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखो किस किसने किस किस तरीके से पढ़ा है। इसका मतलब जिसका इंटरेस्ट ऑफ एरिया है, जो सेल की रिक्वायरमेंट है, जो जगह जिस चीज में आपको इन्वॉल्व करती है उसी चीज को तो जाना आपने, तो सेल का भी यही जोन है। यहां पे यार बाइल का प्रोडक्शन करना कोई जरूरी नहीं है, तो यहां की
सेल में जो जीन है वो अपने आप को बाइल प्रोडक्शन के लिए एक्सप्रेस ही नहीं करेगी। लीवर में बाइल प्रोडक्शन होना है तो वहां पे डीएनए का वो सेगमेंट जो बाइल जूस बनाता है वो सेगमेंट अपने आप को एक्टिवेट करेगा। पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक जूस बनाने के लिए जो जीन एक्टिवेट होते हैं वो पेनक्रियाज वाले सेल में एक्टिवेट होते हैं। ब्रेन में कोई भी न्यूरोकेमिकल सिक्रेशन करना हो तो वहां पे वो जीन्स एक्टिव हो जाएगा। किडनी में नेफ्रॉन सेल को किस तरीके से अपन को मेंटेन करना है वहां पे वो जीन एक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि पूरी बॉडी में जो जीन है अपने आप को अलग अलग तरीके से अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन अलग अलग सेल की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एक्सप्रेस करते रहते हैं। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अपने केस में बताया गया है। तो जीन रेगुलेशन कैसे होता है उसके बारे में इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं। तो अपनी एनसीईआरटी में 12th क्लास की एनसीईआरटी में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में एक टॉपिक दिया गया है जीन रेगुलेशन कैसे होता है और जीन रेगुलेशन करना क्यों जरूरी है किसी सेल में, तो वो यहाँ पे अपन पढ़ते हैं। तो उसमें यार पढ़ाओ एक टॉपिक है जिसका नाम है यार क्या, लेक ओपेरोन। क्या नाम है उसका? लेक ओपेरोन। ये लेक ओपेरोन क्या होता है? तो लेक ओपेरोन ओपेरोन क्या होता है कि ग्रुप ऑफ जीन, ओपेरोन का मतलब समझो, ग्रुप ऑफ जीन विच हैव सिंगल टाइप ऑफ प्रमोटर सिंगल टाइप ऑफ टर्मिनेटर। मतलब एक डीएनए का सेगमेंट है जिसमें बहुत सारे जीन हैं लेकिन वो जीन क्या कर रहे हैं, वो एक ही प्रमोटर रख रहे हैं एक ही टर्मिनेटर रख रहे हैं। मतलब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में बहुत सारे जीन है लेकिन प्रमोटर और टर्मिनेटर क्या है, सिंगल सिंगल है। अच्छा, ऐसी कंडीशन कहां पे होती है? ये तो पॉलीसिस्टोन एक कंडीशन हो गई, जो जीन आगे जाके प्रोटीन बनवाता है वो क्या है, सिस्टोन। सिस्टोन क्या हो गया, एक से ज्यादा सिस्टोन एक प्रमोटर, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? ये कंडीशन तो होगी कौन सी, पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन। पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन कौन सी सेल में होती है? प्रोकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल में मोनोसिस्टोनिक कंडीशन। तो मुझे एक बात बताना कि यूकैरियोटिक सेल में अपन को जीन रेगुलेट करने की जरूरत है क्या? मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल में एक एग्जाम्पल देके बताया गया है लेक ओपेरोन का। इस लेक का मतलब क्या है? इस लेक का मतलब है लैक्टोज मेटाबोलिज्म से। ये अपन को कहीं ना कहीं लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म के बारे में आपको बताने वाला है। ओपेरोन का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ जीन विच हैव सिंगल प्रमोटर, प्रमोटर और सिंगल टर्मिनेटर। अब देखो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इसकी बहुत सुंदर सी कहानी ऐसे है कि यार हम तीन चार दोस्त थे, एक उसमें से, मैं सारे दोस्तों के यहां पे नाम लिखता हूं, एक दोस्त है हमारा राजू, एक है इद्रिस, एक है रिचपाल और एक है, एक हूं मैं। हम चार दोस्त के ग्रुप, चार दोस्त का ग्रुप 10th क्लास पास किया। 10th क्लास पास करने के बाद में सबने कहीं ना कहीं से मोटिवेशन लेके ये किया कि यार आगे जाके डॉक्टर बनेंगे, ये करेंगे और समाज में सब कुछ चेंजमेंट कर देंगे, मेडिकल पूरा स्ट्रक्चर बदल देंगे। तो हम सब में मोटिवेशन था, और मोटिवेशन था तो हम चारों लोग निकल गए कहां पे, सीकर निकल गए, सीकर तैयारी करने के लिए निकल गए। और हम चारों लोग, देखो ये नाम याद रखने, ये नाम का जो ये पहला लेटर है ये कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट को समझने में काम में आएगा। ये चारों दोस्त निकल गए। इनकी कहानी दो स्टोरी टेलर सुनाते हैं। उन स्टोरी टेलर का मैं नाम लिखता हूं, उन स्टोरी टेलर का नाम है यार, एक का तो नाम है जेकब, एक का नाम है मोनार्ड। जेकब और मोनार्ड नाम के दो लोग हैं जो इन चार दोस्तों की कहानी सुना रहे हैं। और ये बात कब की है? ये बात है 1961 की। ये चारों दोस्त 10th क्लास से पास करके 11th क्लास में पहुंच रहे हैं, 11th क्लास 12th किया और फिर ये आगे जाके मेडिकल एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, अभी सोच रखा है। तो बायोलॉजी लेके सब तैयारी कर रहे हैं ये दोनों साइंटिस्ट। 1961 की एक स्टोरी हमें सुना रहे हैं, हम उस स्टोरी को ध्यान से सुनेंगे। तो मेरे हिसाब से लेक ओपेरोन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। देखना ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है यार, हम चारों दोस्त निकल गए घर से, घर से निकले तो हम आए सीकर। सीकर में एक रोड है, सीकर में एक रोड है, उस रोड का नाम है पिपराली रोड। पिपराली रोड बोलने के पीछे भी एक रीजन है, इसमें पिपराली रोड है। मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो ये कहानी आप पहले से याद रखना, एक पिपराली रोड है सीकर में। पिपराली रोड पे क्या हुआ, पिपराली रोड पे बहुत सारे मेडिकल एग्जाम की तैयारी करने वाले इंस्टीट्यूट है, इसलिए मैं इसमें
यहाँ पे पिपराइल रोड एड कर रहा हूँ। और ये जो मेटाबॉलिज्म पढ़ने वाले हैं, ये लेक ऑपेरॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं अपन प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, तो सभी चीजों को अपन रिलेट करेंगे। देखना, पिपराइल रोड पे हम चारों दोस्त आए, मतलब पहले अपन सीकर में आए, तो एक मेरा दोस्त जो राजू है, उस राजू ने यहाँ पे पिपराइल रोड पे घर लिया। एक घर यार राजू को देख के मैंने भी ले लिया, एक घर मैंने लिया, एक घर राजू ने लिया, एक घर लिया राजू ने, और ये घर है राजू का घर, मेरा घर यहाँ पे है, मेरा घर ऐसा कुछ है। अब मैं मेरे घर में देखो क्या करता हूँ, राजू अपने घर में क्या करता है। और जो इदरीस है और रिचपाल है, वो कहीं ना कहीं हमारी बात से ज्यादा सहमत नहीं थे, इसलिए वो पिपराली रोड पे ना रह के कहीं दूसरी जगह रहते। उनमें से क्या हुआ, जो रिचपाल है वो क्या करता है, वो यार टीचर बन गया है, वो मेडिकल एग्जाम में जो तैयारी करते हैं उनको पढ़ाने लग गया है। तो मैंने क्या किया यार, रिचपाल को हमसे सबसे ज्यादा आती थी चीजें, इसलिए रिचपाल को हमने हायर कर लिया कि आप मुझे ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो मैं बात करता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट वो हमें पढ़ा रहा है। ये राजू है, राजू के पास में एक घर है जिसका नाम है ऐसे, ये राजू का घर है और राजू के घर के ये कुछ नाम है, ऐसे ही एक मेरा घर है, ये मेरा घर है और मैं यहाँ पे रहता हूँ। और देखो क्या है, इधर मेरा घर है, मैं यहाँ पे, ये मेरा घर है, इस घर का ऐसे मैं गेट बना देता हूँ, इस घर का मैंने ऐसे गेट बना दिया, ये मेरे घर का गेट है और मैं मेरे घर में आराम से रहता हूँ। और अगर मैं मेरे घर में आराम से रहता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ पढ़ाई, क्या करता हूँ पढ़ाई, मैं मेरे घर में बेटा बैठ के पी से पढ़ाई करता हूँ, मैं मेरे घर में बैठ के पी से क्या करता हूँ पढ़ाई करता हूँ। उसके बाद में जब मैं पी से पढ़ाई करता हूँ तो मेरा तीन सब्जेक्ट तैयार होता है। तीन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, एक तो यार जेड से अपन याद रखेंगे कि मेरी, मैं यहाँ पे बायोलॉजी तैयार करता हूँ, क्योंकि नीट में बायोलॉजी आता है, मेरे को डॉक्टर बनना है तो मैं बायोलॉजी तैयार करता हूँ। वाई से मैं तैयार करता हूँ फिजिक्स, क्या तैयार करता हूँ फिजिक्स, और ऐसे मैं तैयार करता हूँ केमिस्ट्री। इन तीनों सब्जेक्ट को मैं बताओ तैयारी करूंगा तो क्या मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा यार, जब मैं मेरे घर में बैठ के पी से पढ़ाई करूंगा तो मेरी ये बायोलॉजी सब्जेक्ट, जेड से बायोलॉजी सब्जेक्ट, वाई से फिजिक्स सब्जेक्ट और ए से केमिस्ट्री सब्जेक्ट तैयार हो जाएगी। तैयार होती क्या होगा, तैयार जैसे ही ये सब्जेक्ट होगी तो मैं दूंगा नीट का एग्जाम, और नीट का एग्जाम में क्या कर जाऊंगा, पास कर जाऊंगा टॉप रैंक से। टॉप रैंक से पास करते ही मैं कहां पे पहुंच जाऊंगा यार, मैं पहुंच जाऊंगा एम्स में, और एम्स से मैं अच्छा डॉक्टर बनके कहीं ना कहीं समाज सेवा करने वाला। लेकिन एक प्रॉब्लम है यार, इदरीस तो इस रोड पे नहीं रहा, वो कहीं दूसरी जगह घर लिया, उसने भी घर लिया, रिचपाल ने भी घर लिया, सारे दोस्तों ने घर लिया, मेरा घर ये, मेरा घर और राजू का घर पास में, मेरे और राजू के ज्यादा बनती है। इसलिए अब राजू का क्या हुआ, जैसे 12th पास हुआ, इसका यार ये डॉक्टर वॉक्टर बनने से इंटरेस्ट खत्म हो गया, ये डॉक्टर वॉक्टर नहीं बनना चाहता था, इसने क्या किया, ये यहां से बोल रहा है, मेरे को बोल रहा है कि मेरे को पढ़ाई करनी नहीं है, मुझे पढ़ाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, मैं यहाँ पे जिंदगी जीऊंगा, मैं अपने मजे करने वाला हूँ यहाँ पे, तू तेरा पढ़ना है तो पढ़ ले, पर ये मेरे को थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये राजू अपने घर से निकलता है, क्या करता है यार, ये अपने घर से टहलता फिरता निकलता है, और ये घर से जब बाहर निकलता है, ये राजू जब घर से बाहर निकलता है तो यार ये यहां से घर से निकलता है सुबह सुबह नहा धो के, और ये सीधा यहां से घूमता हुआ और मेरे घर में आ जाता है, और मेरे घर में आता है ये राजू, और फिर क्या करता है यार, जब ये मेरे घर में आता है तो मैं इससे बातें लग जाता हूँ, और जब मैं इससे बातें लगता हूं तो मैं यार पी से पढ़ाई नहीं कर पाता, पी से मेरी पढ़ाई बंद, पी से मेरी पढ़ाई बंद तो मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट तैयार नहीं होगा ऑब्वियसली, अगर मैं पी से पढ़ाई नहीं करूंगा तो नहीं तैयार होगा, मेरा फिजिक्स तैयार नहीं होगा, मेरा केमिस्ट्री तैयार नहीं होगा, मतलब कुछ नहीं होगा। तो क्या मैं नीट एग्जाम पास कर पाऊंगा, नहीं। क्या मैं एम्स में जा पाऊंगा, नहीं। क्या मैं आगे जाके कुछ कर पाऊंगा इस फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में, नहीं। अब मुझे एक बात बताना, जब राजू यहां से निकल के मेरे घर पे आता है, वो अच्छा खासा टाइम खराब करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम भी आपस में बातें करते हैं, ये इसके बाद में क्या हुआ यार, हम तैयारी कर रहे थे कंटिन्यूस, राजू वाला डेली का काम हो गया, अपने घर से निकला, मेरे घर आया, मेरे से बातें लगा, और मेरी ये पढ़ाई नहीं हो रही तो मैं ये सब नहीं कर पा रहा,
अब मैंने क्या किया यार, मैंने एक टीचर से बात कर रही थी, कर रखी थी, जो मेरा दोस्त है रिचपाल, उस रिचपाल को अपन शॉर्ट में लिखेंगे आरपी। आरपी ये रिचपाल मेरे को पढ़ाने आता है, लेकिन पढ़ाने तो तब आए ना जब राजू मेरे को छोड़े। अब राजू मेरे को छोड़ नहीं रहा है, ऐसे केस में ये रिचपाल मेरे घर नहीं आ पा रहा। अब रिचपाल मेरे घर नहीं आ पा रहा तो मैं वही बात, मेरे घर नहीं आ पा रहा तो मैं यहाँ पे पी से पढ़ाई नहीं कर पा रहा, और पी से पढ़ाई नहीं कर पा रहा तो मेरे तीनों सब्जेक्ट वीक रह गए, वीक रह गए, तो मेरा नेट में सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं एम्स में नहीं जा पाया, मतलब कोई भी मेडिकल एग्जाम मेडिकल कॉलेज में मैं नहीं पहुंच पाया। क्या इतनी बार समझ नहीं? अब यार एक साल चला, दो साल चला, अब धीरे धीरे घर वालों का प्रेशर आया मेरे पे, तो घर वाले मेरे को बोले कर क्या रहे हो तुम वहां पे, यहाँ पे तुम कर क्या रहे हो? तो अब घर वालों को तो बोल नहीं सकता क्योंकि ये मेरा जिगरी यार के बारे में मैं गलत सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करता, ये मेरे जिगरी यार को के बारे में कोई कुछ नहीं बोलना चाहिए, तो मैंने कुछ नहीं बताया। लेकिन मैं यार मन ही मन में सोचा कि यार करे तो क्या करे, सिलेक्शन होना बहुत जरूरी, नेट में सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर क्या होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे घर में बैठ के किया कॉल। मैंने कॉल किया किसको? मैंने कॉल किया इद्रिस को। मैंने इद्रिस को कॉल किया और इद्रिस को कॉल किया तो मैंने इद्रिस को कॉल करते ही बोला कि यार इद्रिस एक प्रॉब्लम हुई है। तो इद्रिस तैयार हो गया, बोला क्या प्रॉब्लम हुई भाई को, क्या प्रॉब्लम आई, अभी सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। मैं कहा तू एक काम कर मेरे घर पे आ। तो वो कहीं ना कहीं सीकर में ही कहीं रहता था, तो वो चल के मेरे घर पे आया। घर पे आया तो मैंने ये सारी कहानी सुनाई उसको। मैं कहा यार ये राजू यहाँ से निकलता है और मेरे घर पे आता है, तो ये जो आरपी टीचर है मतलब रिचपाल मेरे घर पे पढ़ाने नहीं आ पा रहा और मैं पी से पढ़ाई नहीं कर पा रहा, पी से पढ़ाई नहीं कर पा रहा तो ये सारे सब्जेक्ट मेरे वीक रह गए, अब क्या करें। तो इधर से बोलता है यार तुम मेरे को बता, ये मेरे घर पे आगे बात करने लगा तो मेरे को बता कि मैं क्या करूं। तो मैंने इसको बोला तू एक काम कर यार, तू इस राजू को कैसे जैसे करके मेरे घर मत आने दे। तो बोला फिर मेरे को क्या मिलेगा। मैं कहा जितने भी पैसे मेरे घर से आते हैं, मेरे घर वाले मेरे को जितनी भी पॉकेट मनी देते हैं वो सारी तेरी। इद्रिस भी तैयार हो गया, इद्रिस को भी वैसे मजे ही करने हैं। इद्रिस तैयार हो गया, इद्रिस का एक नाम और है, इद्रिस का नाम है लेक्टो, ऐसे निक नेम है इसका। इद्रिस का नाम क्या है? लेक्टो, निक नेम है, निक नेम लेक्टो है। इद्रिस आया तो इद्रिस ने मेरे को पूछा कि कैसे कैसे करना। मैंने कहा राजू सुबह आता है 8-9 बजे और शाम को 4-5 बजे तक रहता है मेरे को, तो पूरे दिन का टाइम खराब। अब तो बोला मैं क्या करूं। मैं कहा तू यहाँ पे बैठ जा। तो वो सुबह 9 बजे तैयार होके नहा धो के बैठ गया, आया राजू। राजू आते क्यों, बहुत दिनों से इद्रिस से मिला तो बोला यार, बोला यार कहाँ पे जा रहे। इद्रिस बोला राजू को कि कहाँ पे जा रहा तू, बोला उसके पास में जा रहा हूँ। बोला अरे कहाँ पे, बोरिंग इंसान के पास में जा रहा है, कहाँ पे टाइम खराब करेगा फालतू में, वो तो यार पढ़ने वाला बच्चा, उससे नहीं बनती है, अपन चल घूमने निकलते हैं। तो इद्रिस इसको यहाँ पे राजू को पकड़ लिया और राजू को बाहर ही रख लिया, अब मेरे घर नहीं आने दे रहा। अब बताओ क्या होगा। जब इद्रिस ने राजू को यहीं पे रोक लिया तो ये मेरे घर नहीं आएगा, ये मेरे घर यहाँ पे नहीं आएगा तो ये आरपी आ जाएगा, आरपी आ जाएगा तो पी से क्या करूंगा, पढ़ाई करूंगा, पी से क्या करूंगा, पढ़ाई करूंगा। तो मेरी जेड से बायोलॉजी तैयार, वाई से फिजिक्स तैयार, ए से केमिस्ट्री तैयार, सारी चीजें तैयार हो गई। और सारी चीजें तैयार होते ही नीट का एग्जाम पास, एम्स में पहुंच गया, डॉक्टर बन गया। तो क्या मैं एक्टिव हो गया अपनी रियल लाइफ में, मैं एक्टिव हो गया मेडिकल कॉलेज में पहुंचते ही, एक्टिव होते ही मैं अपना एक्सप्रेशन दिखा रहा हूं। अब देखो हुआ क्या है, मुझे एक बात बताना यार, ये पहले ये सारा सिस्टम, ये जो जितना भी सिस्टम था ये ऑफ कंडीशन में था, मतलब ये सारी चीजें नहीं हो रही थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तैयार नहीं हो रही थी। इसके बाद में जब ये इद्रिस यहां पे आया, इद्रिस इसको राजू को रोका, तब क्या ये टीचर मेरे को पढ़ाने लग गया, बिल्कुल लग गया, और ये सारी सब्जेक्ट तैयार हो गई, मतलब ये पूरा सिस्टम क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। इसका मतलब यहां पे किसी ने इसमें ये प्रोसेस करने में हेल्प करी है, और उसका नाम क्या है, इद्रिस। यार मेरा सिलेक्शन किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से, इद्रिस की वजह से हुआ। क्यों? क्योंकि ये आके तो राजू को रोक रहा है, ये राजू को रोकेगा तो ये क्या मेरे को, ये राजू को रोकेगा तो मेरे को ये टीचर पढ़ाने आएगा और मेरे सब्जेक्ट तैयार। अब किसकी वजह से सिलेक्शन हुआ, इसकी वजह से, इद्रिस, इद्रिस की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। तो इद्रिस ने इस सिस्टम को क्या किया है, इंड्यूस्ड किया है, एक्टिवेट किया है, एक्टिवेट किया तो ये पूरा एक्सप्रेशन आया है, इसकी वजह से ये सब हुआ। इस स्टोरी को याद रखना, ये सारे करेक्टर आप याद रखना, आपको एक एक बातें मैं
क्लियर करके छोड़ूंगा। अब देखो, अब इस चीज को मैं दोबारा से एक्सप्रेस करता हूं। ये आरपी भी याद रखना है, राजू भी याद रखना है, इद्रिस भी याद रखना है, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब याद रखना है तुम्हें। इस स्टोरी को आपको एज इट इज इसी तरीके से याद रखना है। अब देखो क्या हो रहा है, जो अपने केस में जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, पिपराइल रोड की बात है, प्रोकैरियोटिक सेल, पी से पिपराइल रोड पढ़ेंगे अपन। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, एक डीएनए के सेगमेंट में बहुत सारे टाइप की जीन होती है, जिसे अपन पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन। जीन, वो जीन जो आगे जाके क्या बना रही है, प्रोटीन बना रही है, उस जीन को अपन क्या बोलेंगे, सिस्टोन। पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। इसलिए हर स्ट्रक्चरल जीन के साथ में एक रेगुलेटरी सीक्वेंस भी होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, क्योंकि रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। यूकैरियोटिक सेल में इतनी जरूरत है नहीं। अब देखो क्या होता है, ये जीन है, इसे अपन यार इनहिबिटरी जीन भी बोलते हैं, इनहिबिटरी या फिर रिप्रेसिबल जीन भी बोल देते हैं। इनहिबिटरी जीन, तो देखो ये डीएनए का सेगमेंट है, ये भी डीएनए का सेगमेंट है, ये है किसमें यार, ये है प्रोकैरियोटिक सेल में, ये प्रोकैरियोटिक सेल में ये सीक्वेंस है, पी से पिपराइल रोड, पी से प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब देखो ये इनहिबिटरी जीन डीएनए का पार्ट क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा कि नहीं बनाएगा, mRNA बनाएगा, कैसा mRNA बनाएगा, ये mRNA बनाएगा रिप्रेशर mRNA, कौन सा RNA, रिप्रेशर mRNA बनाएगा, रिप्रेशर mRNA सेल में राइबोसोम को बोल के क्या बनवाएगा, रिप्रेशर प्रोटीन बनाएगा, क्या बनाएगा, रिप्रेशर mRNA क्या बनाएगा यार, ये बनाएगा रिप्रेशर, रिप्रेशर प्रोटीन, ये क्या बना रहा है, ये बनवा रहा है रिप्रेशर प्रोटीन। अब देखो रिप्रेशर जीन, रिप्रेशर एमआरएनए, रिप्रेशर एमआरएनए आगे जाके क्या बनाता है, रिप्रेशर प्रोटीन। ये रिप्रेस किसको करता है, ये यहां से चल के आता है यहां पे, ये रिप्रेशर प्रोटीन इस ऑपरेटर के पास में आता है। देखो यार ये जीन का जो सीक्वेंस है, इसमें देखो प्रमोटर होगा, रेगुलेटरी जीन होगा, टर्मिनेटर होगा, फिर यहां से प्रमोटर होगा, हर प्रमोटर के पास में एक ऑपरेटर भी होता है, तो प्रमोटर होगा, स्ट्रक्चरल जीन होगा, लास्ट में टर्मिनेटर भी होगा, ठीक है। अभी मुझे बताना, देखना ये रिप्रेसर जीन इसके साथ में देखो इस सीक्वेंस में आके चिपक गई, चिपक गई तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, ये सिस्टम होएगा ऐसे, ये सिस्टम क्या रहेगा यहां पे, जब ये वाला पार्ट यहां से इसको ब्लॉक कर देगा, ऑपरेटर को, ऑपरेटर रीजन को जब ये ब्लॉक कर देगा, तो ये प्रमोटर इस स्ट्रक्चर जीन को एक्टिवेट नहीं होने देगा। तो नॉर्मल केस में जो प्रोकैरियोटिक सेल है, जो ई कोलाई का एग्जांपल अपन ने एनसीईआरटी में देके रखा है, उस बैक्टीरिया को क्या पसंद है यार खाने में, उस बैक्टीरिया को नॉर्मल केस में खाने में पसंद है ग्लूकोज, मतलब बैक्टीरिया ग्लूकोज मीडियम में मिल रहा है, तो बैक्टीरिया मजा कर रहा है, मजे कर रहा है बैक्टीरिया। अब क्या हुआ, जैसे आपको कई बार ऐसी सब्जी बना दे घर में जो पसंद नहीं है, या फिर दो टाइप की सब्जी बना दे, जैसे मान लेता हूं एक तो आपने बना दी पनीर की सब्जी, एक साथ में बना दिया क्या टिंडा पिंडा बना दिया है, तो टिंडा बनाया तो टिंडा आपको मान लेता पसंद नहीं है, हालांकि खाना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो भी। तो प्रोटीन जो अपन बेटा जी क्या 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 खा रहे हैं यहाँ पे, पनीर खा रहे हैं, पनीर पसंद है, बैक्टीरिया ग्लूकोज पसंद है, जिस तरीके से अपन को पनीर पसंद है, टिंडा पसंद नहीं है, तो टिंडा पसंद नहीं है तो टिंडा नहीं खाएंगे, लेकिन थोड़ा सा खा लेते हैं, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, तो बैक्टीरिया ग्लूकोज पसंद है, जब तक बैक्टीरिया को मीडियम में ग्लूकोज मिलता रहेगा बैक्टीरिया मजे कर रहा है। इसका मतलब यहां पे, अब यहां पे अगर ग्लूकोज मिला तो बैक्टीरिया में वो सारे एंजाइम है जो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करके एनर्जी मिले, बैक्टीरिया में ऐसे सारे एंजाइम प्रेजेंट है जो ग्लूकोज से एनर्जी निकाल लेते हैं, तो क्या मुझे ये बताओ यहां पे लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने के लिए कोई एंजाइम की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं है यार, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज मिलता जा रहा है, लेकिन गलती से क्या हुआ, एक एडवर्स कंडीशन ये फंस गई कि आप चल गए, अब मीडियम में क्या आ गया यार, मीडियम में आ गया गैलेक्टोज, क्या आ गया गैलेक्टोज, तो शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में मीडियम में प्रेजेंट होता है ग्लूकोज, जब ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो गैलेक्टोज का मेटाबोलाइजेशन करने के लिए इसको बेटा जी यहां, सॉरी गैलेक्टोज नहीं लैक्टोज, अगर मीडियम में आ गया बेटा लैक्टोज, अगर मीडियम में लैक्टोज आया है तो लैक्टोज बैक्टीरिया को पसंद ही नहीं है, क्यों, क्योंकि लैक्टोज को डाइजेशन करने के लिए, लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए इसके पास में एंजाइम नहीं है, बैक्टीरिया परेशान है, बैक्टीरिया परेशान है तो क्या करेगा, ध्यान से सुनते जाना, शुरुआत में इस मीडियम में ग्लूकोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज जब तक इस मीडियम में प्रेजेंट है तब तक ये रिप्रेसर प्रोटीन यहां से इसके साथ में चिपकेगी और इस सिस्टम को क्या रखेगी, शुरुआत में
रिप्रेसर कंडीशन में रखेगी, एक्टिवेट नहीं होने देगी। फिर क्या हुआ, एक बार जब ये प्रोटीन इसके साथ में चिपकती है तो ये सारा सिस्टम इनएक्टिवेट। अब देखो इनएक्टिवेट हुआ तो यहाँ पे कोई भी मेटाबोलाइजेशन नहीं होगा, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी यहाँ पे नहीं होगी। अब इसमें ग्लूकोज कर दिया एब्सेंट, अब मीडियम में क्या आ गया, मीडियम में आ गया है लैक्टोज। मैंने क्या बोला था, अब आया है इद्रिस, जिसका निकनेम क्या था, निकनेम था क्या, लैक्टो। इद्रिस का निकनेम लैक्टो। यहां पे रिप्रेसर प्रोटीन राजू, आर से राजू यहां रख लेंगे, राजू यहां से निकलता है, यहां पे चेक करता तो ये सारा सिस्टम इनएक्टिव, क्योंकि मीडियम में क्या है, ग्लूकोज प्रेजेंट है। अब यहां पे एक टीचर था कौन, आरपी, आरपी से अपन याद रखेंगे आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए से वो आरएनए बनाएगा, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से। आरपी क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इस डीएनए से क्या बनवाएगा, आरएनए बनाएगा। तो कैसे बनता है, तो देखो शुरुआत में ये सारा सिस्टम क्या रहता है, इनएक्टिव। जैसे ही मीडियम में यार लैक्टोज आया है, लैक्टोज आया है, लैक्टोज आते ही क्या होगा, ये लैक्टोज इसके साथ में चिपक जाएगा, ये लैक्टोज मीडियम में आते ही इसके साथ में चिपक जाएगा। इसके साथ में चिपकते ही ये लैक्टोज आया है, वो लैक्टोज इसके साथ में जैसे चिपकेगा इसकी ये शेप खराब हो जाएगी, ये शेप यहाँ पे अटैच नहीं हो पाएगी, तो ये वाला एंड क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। अब ये यहाँ पे चिपक नहीं पाएगा, चिपक नहीं पाएगा तो क्या होगा, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है इस जीन के एक्सप्रेशन को स्टार्ट कर देगा। मतलब यहां से क्या बनेगा, अब यार इस वाले पार्ट से रेप्लिकेशन से क्या बनेगा, एक बनेगा एमआरएनए, इससे क्या बनेगा, एक एमआरएनए। और ये एमआरएनए क्या बनाएगा, क्या क्या बनाएगा, इसका ये पहला जो सेगमेंट है जिसमें ये जेड जीन है, जिसमें वाई जीन है, जिसमें ए जीन है, क्या क्या बनाएगा, ये वाला पार्ट यहां से बनवाएगा बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट कौन सी थी, बायोलॉजी, ये बनवाएगा यार बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा। यहां पे क्या लिखा था मैंने, फिजिक्स, फिजिक्स से ये वाई वाला पार्ट बनाएगा, यहां से पी से परमिएज, क्या बनाएगा, परमिएज बनाएगा, परमिएज। देखो सभी जगह एज एज आ रहा है ना, एएससी, एज का मतलब एंजाइम, इसका मतलब इस आरएनए से जो प्रोटीन बनने वाली है वो कहीं ना कहीं इनका फॉर्मेशन करने वाली है। इसके बाद में ये केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को यहां पे थोड़ा सा अलग नाम दे देते हैं, यहां से बनने वाला इस सेगमेंट से ट्रांस एसिटाइलेज, एसिटाइलेज। अब देखो क्या हो रहा है, ट्रांस एसिटाइलेज परमिएज करता क्या है, देखो यार एक ईकोलाई सेल है, एक बैक्टीरियल सेल है, एक बैक्टीरियल सेल अभी मीडियम में क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज नहीं है, तो लैक्टोज का मेटाबोलाइजेशन करना पड़ेगा। इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या बनेगा, देखो अगर ये लैक्टोज किसमें कन्वर्ट हो जाए, ये लैक्टोज यार कन्वर्ट हो जाए किसमें, देखो सबसे पहले तो ये लैक्टोज इस सेल में जाना तो चाहिए ताकि यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो सके, तो लैक्टोज को इसके अंदर डालना है, लैक्टोज को बैक्टीरियल सेल के अंदर डालना है, ईकोलाई सेल के अंदर डालना है, तो इसकी ये जो बाउंड्री है इसके अंदर परमिशन तो मिलनी चाहिए, परमिट तो करना चाहिए, तो यहाँ पे जो एंजाइम आएगा उस एंजाइम का नाम है परमिएज, तो यहाँ पे परमिएज आएगा तो ये रास्ता देगा, इसको अंदर जाने के लिए क्या देगा, रास्ता। मतलब परमिएज का काम क्या है, लैक्टोज को इसके अंदर एंट्री दिलाना, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, ये लैक्टोज क्या करेगा, ये लैक्टोज इस सेल के अंदर जाके अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, किस किस पार्ट में डिवाइड करेगा, एक तो बनाएगा ये ग्लूकोज जो बैक्टीरिया को पसंद है भाई, पहले तो ये बनाएगा क्या, ग्लूकोज, और क्या बनाएगा साथ में, साथ में बनाएगा ये गैलेक्टोज, क्या बनाएगा, गैलेक्टोज, ग्लूकोज बनाएगा, गैलेक्टोज बनाएगा, मतलब लैक्टोज से ये ब्रेकडाउन से क्या बनाएगा यार, ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाएगा। इसका फंक्शन एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, ऐसा लिखा गया है कि इसका फंक्शन हमें पता नहीं है, पर मैंने एक साइंटिस्ट को फोन करके पूछा है अभी, उसने मेरे को ये बताया है कि यार आने वाले टाइम में इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन आएगा वो शायद तक ये आएगा कि ये करता क्या है, इस बैक्टीरियल सेल में इस गैलेक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, तो ये ट्रांस एसिटाइलेज करता क्या है, ये ट्रांस एसिटाइलेज गैलेक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, क्योंकि बैक्टीरिया को इस ईकोलाई सेल को क्या पसंद है, ग्लूकोज। अब आप ये पूछोगे मेरे से कि यार मुझे एक बात बताओ, शुरुआत में तो ये सारे एंजाइम थे ही नहीं, ये परमिएज कहां से आया, ये बीटा जी बीटा गैलेक्टोसाइडेज ट्रांसलेटर, परमिएज कहां से आ गया जो इसको अंदर परमिशन दे रहा है, इसका मतलब
ये परमेज पहले से मीडियम में प्रेजेंट है जो इसको यहाँ से परमिट करा रहा है, क्योंकि ये जब इसके अंदर जाएगा तभी तो जाके ये क्या होगा, इंड्यूस होगा ना। तो इंड्यूस करने के लिए पहले यहाँ पे परमेज तो चाहिए। इसका मतलब अपन ये पढ़ते हैं कि किसी भी सेल में नॉर्मल लेवल पे किसी भी सेल में यार जो ये जीन है वो स्मॉल लेवल पे हमेशा एक्टिव रहता है, स्मॉलर लेवल पे, बेसिक लेवल पे वो थोड़ा बहुत एक्टिविटी दिखाता है, जिसकी वजह से मीडियम में प्रमेज भी होता है, बीटा गैलेक्टोसाइड भी जो होता है, ट्रांस एसिटाइलेज भी होता है, जो यहां से एक बार यहां से इलेक्ट्रोज अंदर एंट्री कर गया फिर तो ये इस सिस्टम को क्या कर देगा, इंड्यूस्ड कर देगा। तो पहले ये सिस्टम कैसा था यार, पहले ये सिस्टम था रिप्रेशर कंडीशन में था। फिर ये जब मीडियम में क्या आया, लेक्टो इंड्यूसर इद्रिस वो आया तो उसने क्या किया, इंड्यूस किया। तो इसका मतलब ये जो लैक ओपेरॉन सिस्टम है ये कैसा सिस्टम है, इंड्यूसिबल सिस्टम है। ये पहले क्या रहता है, रिप्रेसर कंडीशन में रहता है, इनहिबिट कंडीशन में रहता है, फिर क्या होता है, इंड्यूस होता है। इसका मतलब लैक ओपेरॉन कैसा मॉडल है, इंड्यूसिबल सिस्टम का मॉडल है। इसके बाद में अपनी एनसीईआरटी में और बहुत सारी चीजें की बातें की गई, जैसे ट्रिप एपेरॉन और एरा एपेरॉन एरेबिनोज के लिए और ट्रिप के लिए। तो ट्रिप के लिए ऐसा बताया गया कि ट्रिप्टोफान के लिए उसने ये बताया है कि वो जो ओपेरॉन मॉडल है वो क्या है, वो स्मॉलर लेवल पे, या फिर ऐसे बोले कि उसके केस में ये बात की गई है कि वो कैसा है, वो इंड्यूसिबल सिस्टम है। वो कैसा है, रिप्रेसिबल सिस्टम है, सॉरी वो बेटा जी कैसा है, रिप्रेसिबल सिस्टम है। इसका मतलब वो पहले से ही क्या है, एक्टिवेट रहता है, वो इंड्यूस कंडीशन में रहता है। उस इसका मतलब जो ट्रिप्टोफान है वो मीडियम में पहले से ही प्रेजेंट रहता है, उसको रोकना है तो कोई ना कोई रिप्रेसर वाला काम करना पड़ेगा। तो ट्रिप के बारे में पढ़ेंगे तो वो कैसा होगा, वो होगा रिप्रेसर ओपेरॉन मॉडल, ठीक है। और ये कैसा था, ये है इंड्यूसर ओपेरॉन मॉडल। इतनी बातें अगर आपने ध्यान से सुनी है तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। लैक ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट यही होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। इसलिए यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर एक है, जीन बहुत सारी है और इन जीन को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई रेगुलेटरी सीक्वेंस होती है और वो होगी तभी जाके ये अपने आप को कंट्रोल वे में एक्सप्रेस कर पाएगा। इतनी बातें सुनी, थैंक यू।